मावल महाराष्ट्र की उन 11 लोकसभा सीटों में से एक है जहां चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग होनी है। साल 2008 में परिसीमन के बाद मावल लोकसभा सीट का गठन हुआ था। अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा है। इस बार मावल में मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने दो बार सांसद रहे श्री रंग बारने को मैदान में उतारा है। देश का हर नागरिक, हर मतदाता को विकास चाहिए। विजन मोदी जी के पास है और स्टेट में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस, अजीत दादा के ऊपर पूरा भरोसा इस क्षेत्र के मतदाता का है। आने वाले चुनाव में गए 10 साल किए हुए काम को, विकास को वोट करेंगे लोग, मुझे विश्वास है। महायुति गठबंधन की सहयोगी बीजेपी ने श्रीरंग बारने की जीत पर भरोसा जताया है। पार्टी के समर्थकों का कहना है कि मावल में वोटर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले मजबूत केंद्रीय नेतृत्व को चाहते हैं। ये देश का चुनाव है, ये चुनाव ये किसी आम चुनाव नहीं है, कि गली का चुनाव नहीं है, कि स्टेट का चुनाव नहीं है। ये देश किसके हाथ में सुरक्षित है ये देख के लोग वोटिंग करते हैं। श्रीरंग बारने को वोटिंग करेंगे तो मोदी को वोटिंग करेंगे, ये सबको पता है। और वोटर साहब भी पहले जैसे नहीं हुआ कि किसने भी कुछ भाषण किया और किससे कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं। चुनाव में सब देखा जाता है। महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्रीरंग वारने के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने संजोग बीकू वाघारे पाटिल को टिकट दिया है। संजोग वाघारे पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व मेयर हैं। पिछले साल उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में शामिल होने से पहले वो एनसीपी में थे। अच्छी तरह से मीटिंग हो गई है। ये मीटिंग जो हो गई है, ये सभी जो हमारे सहयोगी दल के जो प्रमुख नेते हैं और जो सहयोगी दल के सभी पदाधिकारी हैं, इनको एक गेट टुगेदर करके इनका हर एक दूसरे से परिचय हो गया है। और एक इससे इसके आगे जो है, जो मतदार क्षेत्र में जाके हर अपने अपने मतदार क्षेत्र में काम करेंगे और ये महाविकास आघाड़ी को चुन के लाने का। मावल लोकसभा सीट से पुणे और रायगढ़ जिले की 6 विधानसभा सीट शामिल हैं।